Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. वो जो था बहुत ही खास, वो जो था बहुत ही खास, वो जो था मेरे ही पास, हुआ दूर क्यों मगरूर क्यों पलकों पे है ये नामी सी क्यों है धड़े दिल मार मार के रोया रे है धड़े दिल मार मार के रोया रे। महक जल्दी करो, इतने छोटे से काम में कितना टाइम लगाओगे? बस बस हो गया। जमीला तुम जाके इसकी हेल्प करवाओ। केक पे इतनी बड़ी कैंडल्स कौन रखता है? ओहो, केक के लिए नहीं है, लाइट्स ऑफ करेंगे ना तो अम्मी अप्पू कैसे आएंगे। आजो। तुम दोनों कहाँ थी? कपड़े प्रेस कर रही थी सुबह यूनिवर्सिटी के लिए। और तुम? मैं होमवर्क कर रही थी। इसलिए कहती हूँ जल्दी होमवर्क कर लिया करो, आधी रात जब हो जाती ना, जब तुम्हें ख्याल आता है होमवर्क करने का। जी। पानी ला दूं? नहीं नहीं। मुझे नींद आ रही है। अच्छा, मुझे भी कपड़े प्रेस करने हैं। अभी तो तुमने कपड़े प्रेस किए हैं। हाँ, लेकिन वो जो मैंने अभी किए थे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा सुबह के लिए, इसलिए मैं दूसरा ड्रेस प्रेस करूंगी, वही पहन के जाऊंगी। ठीक तो। मुझे भी सोना है बस। ओ, इधर कहाँ जा रही हो? तुम्हारा कमरा उधर है। वो पानी पीने जा रही हूँ। क्या हो गया लड़कियों को? तुम्हारी बेटी है ना? सही। अरे बताए ना, फोन करके पता तो करें। आ जाएगा, परेशानी क्या बात है? अब तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। म्यूजिक सुनता हुआ आ रहा होगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। क्या हाल है? क्या हाल है फराफी, ये क्या हुआ, आपने डाइटिंग छोड़ दी? बदतमीज मोटे इंसान, जाके आईना देखो, 6 किलो वजन बढ़ा लिया तुमने 6 दिनों में। जेलस हो रही है फराबाजी अब? हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा छोड़े छोड़े छोड़े, आपको पता जर्मनी की सबसे अच्छी बात क्या थी? क्या? शॉपिंग। और यकीनन आपने सिर्फ अपने लिए शॉपिंग की होगी भाई। ऑफ कोर्स। नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे लिए कुछ खास आया होगा। लाया हो ना, जिम की मेंबरशिप। मामी देखे मना करें इसको। अच्छा मजाक करो मजाक। रजमी खान, महक जल्दी से कैंडल ले आओ। अच्छा सुनो जमीला, तुम जाके लाइट ऑफ करो और जैसे हमारा शोर सुनो लाइट ऑन कर देना और फिर खुद भी आ जाना, सही है? आप ये कितनी लगानी है? सिर्फ एक। कभी फेसबुक से बाहर निकलकर हमें भी वक्त दो। और आप भी कभी इन किताबों से निकलकर हमें टाइम दिया करें। ओहो, अब लाइट ही चली गई। नहीं, मेरे ख्याल से एक फेज आ रहा है, मैं देखता हूं दूसरा फेज। किसी को मेरी बर्थडे नहीं याद रही। 75 फ्रेंड्स ने मुझे बर्थडे विश किए, लेकिन अपनी फैमिली सब भूल गए। भाई ये सब मेरे लिए? अरे नहीं नहीं, पहले बड़ों को देने दो। अब्बू आएंगे तो अम्मी तो आ ही जाएंगी, बस अब्बू को आने दो। अब्बू आ गए।
कैसे लगा आपको ये सब? मैंने किया है। महक? हम दोनों ने किया है। नहीं, हम तीनों ने किया है। मैंने, महक ने और जमीला ने। अम्मी को सरप्राइज कैसा लगेगा? कैसा सरप्राइज है ये? सदफ को तो वहाँ लाउंज में अकेला छोड़ा है हम सब। कोई अकेली नहीं बैठी, फेसबुक पे बिजी होंगी। अरे वो किसी भी चीज में बिजी हो, लेकिन हर वक्त उसको मेरा और तुम लोगों का ख्याल रहता है। उफ़ बाबा, कभी तो हमारी साइड ले लिया करें। नहीं भाई, मैं तो अपनी बेगम की साइड लूंगा। ये सब चले कहाँ गए हैं? जाके देखती हूँ मैं। पानी पीने गई थी, अभी तक आई नहीं वापस। कहाँ हो सब लोग? कहाँ चले गए सब? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा। वाह। ये अच्छा, एक सेकेंड। क्या? और ये सारे गिफ्ट मेरी तरफ से, समीर आपकी तरफ से और महक की तरफ से। बेटा, इतने सारे गिफ्ट की क्या जरूरत थी? ये थी या नहीं थी, बस जिसको देना चाहिए था उसको तो पता नहीं, याद भी था या नहीं। हाँ, मुझे लगता है फराज भूल गए। एक मिनट। ओ, स्पेशल है। ये वाला मेरी तरफ से। जी नहीं, सारे हम तीनों की तरफ से। ये लीजिए आपका गिफ्ट। ये तो बहुत खूबसूरत है फराज, रियली अच्छी है ना? हसीन, तो आपको याद था? अरे भी कैसे याद नहीं होता, तुम हम सबका ख्याल रखती हो। किसने कब स्कूल जाना है, किसने कब नाश्ता करना है, मैंने कौन से कपड़े पहन के कॉलेज जाना है, तो क्या हम तुम्हारी सालगिरह याद नहीं रख सकते? बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो फिर खिलाए। अच्छा एक सेकंड, मैं सेल्फी बनाऊंगी, समीर आप भेज लीजिए। चलो चलो। और आपने फेसबुक पे भी तो लगानी होगी। जी। रेडी? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ammi. Happy birthday to you. बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुम अभी तक जाग रही हो? अब हाँ अम्मी, वो थोड़े से काम थे। सब छोड़े, ये बताएं बाबा ने आपको क्या गिफ्ट दिया? तुम्हारे बाबा ने मुझे एक बहुत खूबसूरत रिंग दी है। अभी तस्वीर लेके ना फैमिली ग्रुप पे व्हाट्सएप करती हूँ। जी। हमारे घर का माहौल कितना अच्छा है ना अम्मी। एक मेरा ससुराल है, सड़ू कहेंगे, सब मुंह बना के बैठे रहते हैं। सबकी ससुरालें एक जैसी ही होती हैं। काश मेरी बहनों के ससुराल ऐसे ना हो जैसे मेरा। ऐसा नहीं कहते बेटा। अच्छा काफी रात हो गई, तुम सो जाओ, ठीक है? मैं फिर बात करूंगी तुमसे। जी मैं, अल्लाह हाफिज़। सदब, तुम अकेले नाश्ता कर रही हो, मेरा नाश्ता कहाँ है? आपकी लाडली ला रही है ना आपका नाश्ता। ये रहा आपका नाश्ता। अरे वाह, क्या जबरदस्त भाई। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, एक इसकी पिक्चर ले लूं, फेसबुक पे डालूंगी। अम्मी क्या हो गया? पिता भी अच्छा नहीं गया, पिक्चर्स खींच रही है और अपलोड भी करेंगी। हाँ वो तो पता है मुझे, लेकिन तुम रोजाना नहीं बनाती ना इसलिए। सदब, सुबह सुबह हमारी लाडली को तुम कुछ नहीं कहोगी? यूनिवर्सिटी की देर भी तो हो रही है उसको। ओ हाँ, और मुझे देर भी हो रही है, मुझे अनम को भी पिक करना है। जरूर पिक करना, लेकिन ये तुम नाश्ता, बाबा बहुत देर हो जाएगी। तुम नाश्ता मेरे साथ शेयर करोगी? रखो इधर और अपनी प्लेट दो, जल्दी करो। बहुत अच्छे, दोनों बाप बेटी शेयर कर रहे हो, मेरे से किसी ने पूछा तक नहीं। हाँ तो सही है ना, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद थोड़ी, हमेशा नुक्स निकालती हैं। एक दफा तो निकाला है, और अगर मैं नहीं बोलूंगी तो सीखोगी कैसे तुम? बेटा जबरदस्त। चलो बताए, नमक ज्यादा है या कम? अच्छा है।
हेलो जी, वो आपको शाम का कहा था ना, आप ही शाम को आ जाइए। खुदा हाफिज़। नजर बाबा, नजर बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। सबीना, ये तो मेरा दुपट्टा है। कल काम करते हुए मेरा दुपट्टा जल गया था तो बेगम साहब ने मुझे ये दे दिया। अच्छा, इसे धोखे और इसको इस्त्री करके रख देना, मेरे नए सूट का दुपट्टा है। जाओ जाओ जमीला, तुम जाओ। अम्मी आप भी ना। बस कर दो ना, पता ना तुम्हें कितनी नकचड़ी है वो। अजीब बात है, नकचड़ी मैंने दिल से बनवाया था। अच्छा, ध्यान से गाड़ी चलाना और पानी चेक कर लेना गाड़ी का। मेरा दुपट्टा धुलवा के इस्त्री करवा के रख दीजिएगा। हाँ हाँ, धुलवा लूंगी, चलो जाओ आराम से। लेकिन आईना मेरे कपड़े किसी को भी दें तो पूछ के दीजिएगा। जी अच्छा, जैसे आप कहेंगी। मुझे तो सबा की फिक्र होने लगी, सेमेस्टर खत्म होने को है। अरे तुम फिक्र मत करो, वो अल्लाह की जात है ना ऊपर फिक्र करने वाली। समरीन की तो शादी उसकी पढ़ाई के दौरान ही हो गई थी, अब सबा के बाद महक भी तो है। और आप तो जानते हैं ना, बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। परेशान मत हो, रिश्ता भी आ जाएगा और शादी भी हो जाएगी। और मुझे कोई जल्दी नहीं है कि खुद को अपनी बेटियों से जुदा कर दूं। अनोखे बाप हैं आप। अनोखा शोर भी तो हूँ, कभी इस तरफ भी गौर कर लिया करो। अच्छा, दूसरी प्याली चाय की चले। क्यों नहीं क्यों नहीं। जमीला चाय ले आना। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अमार, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो एक्चुअली कामरान जो है ना, शाम की फ्लाइट से दुबई चले गए और मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मेरा यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे छोड़ा। यार फराबा जी, ये क्या बात हुई, कामरान भाई चले गए और अपनी सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए। शर्म तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती, तुम्हारी फुफ्फो की बेटियों में कजन हो तुम्हारी। हाँ कजन है, बीवी तो नहीं। वैसे फराबा जी, अगर आप थोड़ी पतली होती ना और मुझसे एक दिन छोटी भी होती तो कसम से पूरे खानदान से लड़ बैठता मगर शादी आपसे ही करता। बदतमीज, अगर तुम्हें कह रही है छोड़ा हो तो छोड़ा हो ना जाकर। मम्मी ये बहुत बिगड़ गया, इसका इलाज करवाएं आप। ढूंढे ना कोई अमार भाई के लिए, आपकी यूनिवर्सिटी में तो एक से एक हसीन लड़की पढ़ती होगी, है ना। तुम अपनी एग्जाम की फिक्र करो और मेरी शादी की कब। हाँ भाई आप भी ना। और वैसे भी तुम्हारे भाई ने काफी लड़कियां शॉर्टलिस्ट की होंगी, देख लूंगा उनमें से कोई। या अल्लाह, मुझे बहुत देर हो रही है यूनिवर्सिटी से, तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो वरना मैं टैक्सी बुलवाऊं, जल्दी बताओ। एक तो रिश्तेदारों का हमसाया होना भी अजाब है, कसम से हुब्बो की मोहब्बत में जा रहा हूँ। चलो जाओ ना, देर हो रही है, जल्दी करो। ए, फाँ, 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 चाबी तो लेने दे। आपसे गाड़ी आराम से चलाना। सॉरी, आप ठीक है ना। सॉरी मैंने आपको नहीं देखा, आपको कुछ हुआ तो नहीं, चोट तो नहीं लगी।
कुछ नहीं हुआ मुझे, आप जाइए। थैंक यू। आप कहाँ चले गए थे साहब? दूध लेने गया था। वो तो मैं ले आया था साहब। अच्छा तो फिर चाय बना दे। ठीक है। सबा! ओह माय गॉड, यार मैं बहुत डर गई थी। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें पता है अभी एक बंदा मेरी गाड़ी के नीचे आते आते बचा है। तुम और किसी को बचा लो, ये कैसे हो गया? अरे मगर वो मेरी गाड़ी के नीचे आता ना मर जाता। पर था बेचारा बड़ा मेहरबान, मेरी गलती पे मुझे तसल्ली दे गया। ओ की प्यारी, जो पहली नजर में मोहब्बत का शिकार तो नहीं हो गया? बात से क्या हो गया। चलो वैसे भी आज किसी को मजा चखाना है। किसको? यूनिवर्सिटी में चल के बताती हूँ, देख लेना। अल्लाह, आज तो किसी की शान मत आने वाली है। थैंक यू बाबा। सब नाश्ता कब करते? अभी नहीं। लो जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। आदत मत बनाइएगा। नहीं। ओ, फोन भूल गई। जी कामरान भाई, जी कामरान भाई, आपकी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, उन्हें अभी कॉलेज ड्रॉप की है। ठहरे, मैं अंदर जाके फोन देता हूँ, फोन भूल गई थी गाड़ी में। ओके। जी जी जी, ओके।
इधर आओ। क्या हुआ? कल तो मुझे क्या मैसेजेस कर रहे थे? मैंने तो बस असाइनमेंट के लिए मैसेज किया था। असाइनमेंट के लिए? तो ग्रुप चैट में करते ना, और जब मैं जवाब नहीं दे रही थी तुमने प्राइवेट मैसेजेस करना शुरू कर दिए, वो भी चीप जोक्स अपनी तरह। तुम्हें क्या लगता है क्या जब मैं तुम्हारी क्लास में हूँ तो मैं तुम्हारी दस्तरस में हूँ? ये बाकी लड़कियों को मैसेजेस क्या करूँ, मुझे आईना हिम्मत भी नहीं करना मैसेजेस करने की। और अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मुझे मैसेज किया ना, मैं सर नुमान से तुम्हारी शिकायत। चलो बस बहुत हो गया, चलो। मुझे बात तो करने दो, मुझे बात करने दो। यार सब मुझे लेट क्यों करना चाह रहे हैं? नजर लग जाती है ना, पता है ना तुम्हें? ये तो है। अच्छा सुनो, आज जरा जल्दी आ जाना, तुम्हारी फुफ्फो आ रही हैं, फरा को भी मैंने खाने पर बुलाया और तुम्हारी खाला भी आएंगी। यार सब औरतें हमारे घर की जमा हो रही है? नहीं कोई खास बात नहीं है, सब बहुत प्यार करती है ना तुमसे, उदास हो जाती है तुम्हारे बगैर। यार एकलौता होना ही बहुत बड़ी सजा है, मैं जल्दी नहीं आ सकता, मोइज़ और फाखिर साहब ने डिनर पे जाना है, और वैसे भी जब भी आप इस तरह का ग्रैंड डिनर करती है ना तो 12 बजे से पहले कोई नहीं जाता। अरे बेटा तुम कोशिश तो कर सकते हो ना। अच्छा मम्मी जाने तो दें, जाऊंगा तो आऊंगा। अच्छा जाओ जाओ, शाबाश। सीट बेल्ट बांध लेना बेटा। जी जी बांध लूंगा। ये कौन? एक सेकंड में आया। सर यार ये नहीं सुधरेगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता वैसे। An embarrassment. क्या हुआ, पसंद नहीं आई उसे? बहुत आई पसंद, नंबर भी दिया। बस तुम शादी कर ही लो, बहुत पार्टी कर ली, बहुत दोस्तियां कर ली, ताकि मेरी भी तुम्हारी तरह कट जाए, है ना? मैंने नहीं करनी शादी। तुम इस फाखर को मशवरा क्यों नहीं देते? ये क्यों कुवारा फिर रहा है? इसे क्या मशवरा दूं? ये तो एक लड़का है, तुम्हारे इतना फ्लर्ट तो नहीं है ना? अगर मैंने उस लड़की की खूबसूरती की तारीफ कर दी तो इसमें बुरी बात क्या है? इस दुनिया में औरत ही खूबसूरती के लिए नहीं होती है सिर्फ। हाँ तो मैं और हसीन चीजों की भी तारीफ करता हूँ। जिस दिन मर्द ने औरत को अपनी चीज, अपनी जायदाद, अपनी मलकियत समझना छोड़ दिया और अपने जैसा एक इंसान समझा, उस दिन बहुत सी नफरत, बहुत से झगड़े और बहुत सी उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। अगर मैं सिर्फ दिल बहलाने के लिए तख्लीक किया होता तो किसी और शक्ल और सूरत में उसे बनाते। दोनों एक दूसरे का लिबास है। वैसे हमारे एक बात है, जिस लड़की की इस फाखर से शादी होगी ना वो बड़ी खुश रहेगी,
बड़ी इज्जत करेगा उसकी। जी नहीं, ऐसे भी कोई बात नहीं है, लड़की को इज्जत के अलावा और भी कुछ चाहिए होता है। मसलन क्या क्या चाहिए होता है? जैसे कि एक हैंडसम, स्मार्ट, खुश मिजाज लाइफ पार्टनर। इसका मतलब दूसरे लफ्जों में लड़कियों को अमार सौ चाहिए होता है। कह सकते हो, देखो मैं नहीं कह रहा, सोसाइटी कह रही। चलो भाई मैं चलता हूँ, तुम चल रहे हो साथ? मैं भी चल रहा हूँ। अबे तू कहाँ जा रहा है? तेरी कौन सी बीवी इंतजार कर रही है? मेरी तन्हाई, बहुत देर से तन्हा है, सोच रहा हूँ अपनी तन्हाई उसके साथ जाके बांट। जा जा तू जा, बल्कि हम सब चलते हैं, मैं भी चलता हूँ। मेरी भी तन्हाई मेरा इंतजार कर रही होगी। कमल बस अब तुम अम्मार की शादी कर दो भाई, बहुत हो गया। सही कह रही हूँ, अब फैमिली में कोई हंगामा या हल्ला गुल्ला होना ही चाहिए। और क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला, भाई हम भी लड़के वाले बने, हमारे घर में बहू आए। जब हमारा बेटा इतना खास है तो लड़की भी खास होनी चाहिए। फरा तुम अपनी यूनिवर्सिटी में ढूंढो ना कोई लड़की पढ़ाती हो या पढ़ती हो, बहुत अच्छी सी प्यारी सी। अम्मी मैं ढूंढ तो लूं, लेकिन पहले अमार तो माने। वैसे लड़कियां तो बहुत ऐसी हैं जो अमार के साथ मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगती है। कौन मेरे लिए परफेक्ट होगी? अरे आगे मेरा शहजादा। आओ मेरा बच्चा। सलाम खाला, क्या हाल है खाला? बेटा जान, मेरी जान। भाई अमार कोई लड़की पसंद है ना तो फौरन बता दो, क्योंकि इन सब ने मेरी ड्यूटी लगा दी है कि मैं कल से तुम्हारे लिए लड़की तलाश करूं। कोई? मुझे तो बेशुमार लड़कियां पसंद है। नहीं भाई, हमें बेशुमार बहुएं नहीं चाहिए, एक लड़की चाहिए जो सुलझी हुई हो और बहुत अच्छी हो। हाँ भाई बता दो अब, ताकि मेरा काम भी आसान हो जाए, नहीं तो अम्मी ने तो मुझे कह दिया है कि कल से तुम यूनिवर्सिटी पढ़ाने नहीं लड़कियां तलाश करने जाओगी। भाई बताए ना कौन पसंद है आपको? मुझे मामी जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे एक लड़की पसंद है, उसका नाम है सबा। सबा? अरे अब भाई ना बिल्ली थैले से बाहर। हाँ भाई, तो ये कौन है सबा? नाम तो बड़ा प्यारा है, बताओ ना शहजादे कौन है सबा? यही तो मैं नहीं जानता। ये क्या बात हुई भाई? बात सिर्फ इतनी है, मैं फरा बाजी को यूनिवर्सिटी छोड़ने गया और वहाँ क्या अजीब सी बात कर रहे हो अमार, मेरी यूनिवर्सिटी में तो सैकड़ों सबा पढ़ती होंगी, नाम ही पूरा सुन लेते। फरा बाजी अगर ढूंढ सकती है ढूंढ ले, वरना मुझे कोई जल्दी नहीं है शादी करने की। अब भाई कोई निशानी बता दो। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कॉन्फिडेंट। लो भाई फरा, अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया, तुम अम्मार के लिए इसकी सबा तलाश करो। अच्छा भाई बाल बाल कैसे थे, रंग कैसा था, हाइट कैसी थी? देखिए वो इतनी है। आपके हाथ कितने खूबसूरत है मैं। इयररिंग भी इसलिए खूबसूरत लग रही है क्योंकि आपने पहनी है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इयररिंग इसलिए खूबसूरत लग रही है क्योंकि ये एक मोहब्बत का तोहफा है। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं मम्मी, बहुत लकी हैं आप। वाकई मैं बहुत लकी हूँ। जानती हूँ सबा, एक और तो कैसा मर्द चाहिए होता है। कैसा? ऐसा मर चाहिए होता है जो सिर्फ उससे मोहब्बत ना करे बल्कि उसकी इज्जत भी करे, उस पर फराग दिली से खर्च करे और उसके लिए अपनी बीवी सब औरतों में सबसे ज्यादा हसीन और मुकम्मल हो। ऐसा तो सिर्फ मेरे ही बाबा। हर बेटी के लिए उसका बाप उसका आइडियल ही होता है, लेकिन फराज वाकई ऐसे ही है। मोहब्बत और इज्जत के अलावा वो हमेशा मेरे लिए एक ढाल का काम भी देते रहे। जानती हूँ बेटा ना होने के ताने का जवाब भी उन्होंने ही दिया, मैंने कभी भी नहीं दिया। मेरी अम्मी हैं भी तो इतनी खूबसूरत, कैसा ख्याल रखती। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तुम्हारे बाबा की मोहब्बत ने मुझे हसीन बना दिया। अच्छा ये बताओ
तो अपनी दोस्त की तरफ जाने वाली थी? नहीं, आज मेरा मूड नहीं मेरा। और दिखाओ। ये? नहीं नहीं, इतनी सीनियर तो नहीं हो सकती। अगली अगली अगली। नहीं, ये खूबसूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको दो चार फाइल और दिखा देता हूँ। हाँ, ये 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 ज़ूम करो। ये लग रही है मुझे। प्रिंट निकालो। हाँ, इसको भी साइड पे कर लो, इसका प्रिंट निकालना है। ठीक है, इन सारी सभाओं का तुम मुझे प्रिंट आउट दे दो। ओके। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। कैसी हो जवेरिया? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? ठीक ठाक। अच्छा, एक फेवर चाहिए। हाँ बोलो। अकबर ग्रुप को ईमेल करो और कहो जो कल मीटिंग होनी थी ना, वो अब अगले हफ्ते हो रही है, और कोई अच्छे से बहाना मारो। ओके ठीक है, कर दूंगी। अच्छा रुको। हाँ, अच्छी लग रही हो। थैंक यू, आपका काम हो जाएगा, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं। हद हो गई है भाई, तो मेरी सिर्फ कॉलीग ही नहीं बल्कि मेरी क्लास फेलो रह चुकी हो, मेरी दोस्त भी हो। तो मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारी बातों को माइंड नहीं करती। इसमें माइंड करने वाली क्या बात है, अच्छी लग रही थी तो मैंने कह दिया। जनाब की शादी नहीं हुई ना अभी, बीवी होती तो माइंड कर जाती, हर दूसरी लड़की की तारीफ करता फिरता है। मेरा हस्बैंड तो भाई बहुत माइंड करेगा अगर उसे पता चले कि ऑफिस में मेरे काम की नहीं, मेरे हुस्न की तारीफ हो रही है। इसलिए मैं कहता हूँ शादी नहीं करनी चाहिए, खुद भी आजाद रहे और दूसरों को भी आजाद रखे। मिस्टर अमाद सऊद, कैद में रहने का भी अपना मजा है। एनीवेज तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू। मामी, मेरी यूनिवर्सिटी में जितनी सबा नाम की लड़कियां थी उनमें से सिर्फ 15 ही खूबसूरत थी, उन सब के कॉन्टेक्ट नंबर मैंने ले लिए हैं। अब बुलाएं अमार को, वो देखे आके कि मतलूबा सबा कौन सी है। देखो भाई कैसा हसीन इत्तेफाक है, कल हम लोग भी एक रिश्ता देखने जा रहे हैं और उस लड़की का नाम भी सबा है। वाकई अम्मी? हाँ भाई, क्या हो रहा है? आओ अमार, सुबह से तुम्हारे काम में बिजी हूँ। जितनी यूनिवर्सिटी में सबा नाम की लड़कियां थी मैं खूबसूरत लड़कियों के नंबर ले आई हूँ, अब मुझे आके बता दो कि कौन सी लड़की है वो। अच्छा लाओ दिखाओ। उतावले, तस्वीर नहीं है अभी मेरे पास, दिखाऊं क्या? तो फिर बताया क्यों है? सदफ, तुमने बताया सबा को कि कुछ लोग उसे देखने आ रहे हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहा है कि कल रात मैंने अपनी एक सहेली की फैमिली को खाने में बुलाया, मैं उसे कॉन्शियस नहीं करना चाह रही थी। बहुत अच्छा, क्या ये देखना दिखाना बहुत ऑकवर्ड लगता है मुझे। अब क्या करें, दुनिया का दस्तूर यही है। और आप भूल गए, आप और आपके घर वाले भी मुझे इसी तरह देखने आए थे। अरे वो पुराने जमाने थे। एक तजवीज है मेरे जहन में। वो क्या? क्यों ना हम इस फैमिली को मॉल में बुला लें और वहाँ फूड कोर्ट में उनको खाना भी खिला देंगे। नहीं फराज, अब पहली दफा तो लोग घर पे आते ना रिश्ता लेकर। अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहली दफा है, ना लड़की ने लड़के को देखा है और ना लड़के ने लड़की को देखा है, ना हम उस फैमिली को जानते। भाई ये कैजुअली वहां मुलाकात हो जाएगी, जब कोई बात आगे बढ़ेगी तो उनको घर पे बुला लेंगे डिनर। अरे बड़ा कैजुअल सा हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वो लोग बुरा मान गए तो? अरे नहीं बुरा, तुम कह के तो देखो। चले, कहती हूँ मैं उनको।